नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि कोविड 19 को लेकर लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में लौटकर बिहार आ रहे हैं। उन सभी के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसलिए सहनी ने प्रवासी मजदूरों के रोजी रोटी के लिए तालाब निर्माण करवा रहे हैं, जिससे मजदूरों का रोजी रोटी, कपड़ा और मकान वहीं पर उन्हें मिलेगा और जल जीवन हरियाली में भी मदद मिलेगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे इंडिया में लॉकडाउन की स्थिति है और प्रवासी मजदूर बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लौट रहे हैं, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड के पकड़ी गांव में हम तालाब का निर्माण करवा रहे हैं और प्रवासी मजदूर इसमें खट रहा है ताकि रोजी रोटी उनको मिल सके, अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। साथ ही साथ ये जल जीवन हरियाली जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें भी सहायता होगा और वातावरण साफ रहेगा। इसलिए हाथ के द्वारा हम तालाब का निर्माण कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पटना के होम्योपैथिक डॉक्टर महेंद्र प्रसाद ने कोरोना वायरस की दवा होम्योपैथिक में होने का दावा किया है। उनका कहना है कि होम्योपैथिक में कुछ दवा पहले से ही है जिसके सेवन करने से कोरोना नहीं होगा और यदि हुआ भी तो वह 100% जल्द ही ठीक हो जाएगा। पीने के लिए मैं इलेक्ट्रोल पाउडर गर्म पानी में पीने के लिए मैंने कहा हूँ। बाकी 4 दवा मैंने इसमें दिया हूँ, जो बरौनिया 30 नंबर है, बेला 30 नंबर है, कष्टिकम 30 नंबर है, जलसीमियम 30 नंबर है। ये चारों दवा में से चार बूंद 3 बार लेना है और इलेक्ट्रोल पाउडर गर्म पानी में ही पीना है। और क्या ये जड़ से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा ये कोशिश है कि लोगों को दिए हैं और अपने लोग ताकत के साथ कहें कि मैं कोरोना के भगा दिया मेरा डॉक्टर। इस कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं, खासकर उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो रोज कमाकर रोज खाते थे। ऐसे में एक व्यक्ति धर्मवीर गिरी है जो चार पहिया वाहन से जुड़े सामान सड़क के ट्रैफिक सिग्नल पर बेचा करते हैं। उनका कहना है कि इस कोरोना के समय में गाड़ी सड़क पर ज्यादा ना होने के कारण उनका सामान नहीं बिक रहा है, जिससे परिवार चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि अब वह कर्ज में डूब गए हैं और इसलिए इस विपत्ति की घड़ी में उन्हें सरकार के तरफ से भी अब कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं मिल रहा है सर। ये कोरोना वायरस के चलते लोग छूने तक के लिए सामान तैयार नहीं है और मैं कर्ज से परेशान हूँ। महीना का 4000 रुपया सूद देना पड़ता है सर। 3 महीना जो लॉकडाउन के वजह से मैं फंस गया और ये टर्न 48 फोन पर बन गया, मेरा धंधा भी बंद हो गया। अब तो कोई दिखता नहीं, कर्ज से लगाए हुए हैं सर। अब कर्ज वाले लोग मांग रहे हैं, सरकार से यही कहना चाहते हैं सर कि हम अगर ब्राह्मण हैं इसलिए हमें दिक्कत, अगर दलित रहते तो हमको पलकों पर बैठा लिया जाता हम पे, लेकिन हम सर राजनीतिक नहीं, मैं अपने सच्चाई को रखा हूँ। अगर कोई सर मेरी मदद कर दे मेरे बारे में पता लगा के तो मेरा सात परिवार रोम रोम से दुआ देगा। मेरा मेहनत 26 साल से हड़ताली मोड़ पर, कभी भी पीछे में आके देख सकते हैं सर, लोगों से पता कर सकते हैं सर। इस लाचार ब्राह्मण को कोई भी सहयोग करके। क्या सरकार से चाहिए आपको? सरकार से यही चाहिए सर कि ना मेरे पास घर द्वार कुछ है, नहीं बैंक जाते हैं लोन नहीं मिलता, 2 लाख रुपये का लोन मिल जाता सर, 3000 रुपया महीना करके हम कमा करके चुका देते सर, जो हमको 4000 रुपया महीना 10 साल से हम सूद भरते आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास इकट्ठा पैसा होगा नहीं सर कि महाजन को हम दे पाएंगे। कोई हम पर उपकार करे सर, सरकार से यही अनुरोध है कि अगर हम दलित रहते सर तो हमें पलकों पर बैठा लिया जाता, बहुत तरह से अति होता। एक ब्राह्मण समाज गरीब लाचार को मदद करे सर। मेहनत करता हूँ, बिहारी हूँ, कुछ अच्छा करके दिखाऊँगा। मेरे बाल बच्चा को शिक्षित करता हूँ, अशिक्षित करूँगा। स्कूल का भी पैसा गिर गया सर कि हम स्कूल में अब दोबारा नाम भी नहीं लिखा सकते। मेरी मदद करे श्री कृष्ण, कोई भी श्री कृष्ण बन के कंस का संहार करे मेरे कर्ज। बार विधानसभा की राजद नेत्री सह प्रदेश महिला महासचिव नमिता नीरज सिंह ने राज्य में बढ़ रहे अपराध एवं अन्याय के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोल दिया है।
नमिता निरसिंह ने राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने तथा क्रिमिनल्स को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सत्ताधारी विधायक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इस प्रकरण पर उन्होंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो प्रशासन ने उन्हें जाने से मना कर दिया। वहीं इसके साथ ही नमिता निरसिंह ने जनता से अपील किया है कि सभी लोग तेजस्वी यादव का साथ दें और उनकी आवाज बने। गोपालगंज नरसंहार पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी गोपालगंज जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। इस प्रकरण में सरकार सत्ताधारी पक्ष के लोगों एवं क्रिमिनल को बढ़ावा दे रही है। जहां तक मुझे लगता है चुनाव को देखते हुए राजद के कार्यकर्ता गण को टारगेट किया जा रहा है। इस पूरी मुहिम में मैं तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी हूं और उनका समर्थन करती हूं और आप सभी लोगों से अपील करती हूं कि आप लोग भी जितना से जितना हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और सरकार विरोधी रवैये के खिलाफ आवाज को बुलंद करे और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करें। कहते हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इन कलाब के नारों से। अन्याय के खिलाफ जंग जारी है और जारी रहेगा। जय बिहार, जय राजद, जय बाढ़, जय भारत। बात करें नवादा की तो जिला प्रशासन के आदेशों की नवादा में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चिन्हित दुकानों को खोलने का आदेश दिया था। बावजूद दुकानदारों ने जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरा दिन अपना दुकान खोले रखा। वही पुलिस भी बाजार में गश्त लगाती रही, बावजूद सभी ने मौन साध रखा है। ये मामला नवादा के हसुआ बाजार का है। हरियाणा के रोहतक में अपनी जीविका के लिए गए प्रवासी मजदूर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मसौढ़ी के महिला छात्रावास क्वारंटीन सेंटर पहुंचे। इन सभी प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हरियाणा के जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहां के मालिक ने उन्हें वेतन नहीं दिया। उनका कहना है कि उनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई थी। मसौढ़ी पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने अब बिहार सरकार से रोजगार की भी मांग की है। बता दें कि ये सभी प्रवासी मजदूर मसौढ़ी प्रखंड के ही रहने वाले हैं। हरियाणा से आए हैं। क्या करते थे हरियाणा में? नट बोल्ट कंपनी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ फंसे हुए थे? पूरी तरह फंसे हुए थे। हमारा एक दिन भी कंपनी नहीं चली थी और अब तक हम फंसे हुए थे। और यो अभी प्रवासी मजदूर का जो ट्रेन आई है इससे हम लोग आए हैं। जब वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, पूर्णतः लॉकडाउन थी, तो ऐसी में फैक्ट्री बंद थी, तो जब आप बिहार आए हैं तो बिहार आने के समय आपको जो है वो फैक्ट्री मालिक आपका वेतन दिया या नहीं दिया? जी नहीं, नहीं दिया वेतन तो हमारा एक भी नहीं, फोन तक नहीं किए थे, एक दिन भी नहीं कि दिया हमारा वर्कर कैसे जी रहा है और क्या कर रहा है। नहीं, वो फोन भी का नाम ना नहीं समझा, फोन भी नहीं किए थे और वेतन की तो दूर की बात है। भूखो मरने की स्थिति हो गई थी ना पूरी तरह से। कहाँ घर है आपका? खराट है सर। बिहार में आ गए हैं आप? जी। तो क्या करेंगे बिहार में आके आप? बिहार में अब जब तक ये कोरोना का ये शिकार झेल रहा है दुनिया तब तक यहीं रहेंगे। अब वहाँ से तो अच्छा है ना कि घर पे आ गए तो कम से कम रोटी तो मिलेगा ना टाइम से। और वहाँ तो राशन वाले भी मना कर दिए थे कि भैया आप तुम लोग को राशन नहीं देंगे, पैसे नहीं दोगे तो लाजवाब है कि वो लोग कहाँ से देंगे, जब पैसे ही नहीं हम देंगे तो देंगे कहाँ से। तो बिहार सरकार से क्या मांग करते हो? बिहार सरकार से मांग यही करेंगे कि हम लोगों को काम दिया जाए और किसी तरह से वो काम दें और ऐसा कर दें कि हम लोग प्रदेश में न जाएं, अपने ही राज्य में कुछ करें और यही गुजारिश है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। तो आज मसौढ़ी क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं, यहाँ क्यों आए? अब आए हैं, पहले चेक करवा लेते हैं, अब उसके बाद जैसा होगा वैसा करेंगे। हरियाणा रोहतक शहर से। क्या करते थे आप? नट बोल्ट के काम करते थे। फैक्ट्री बंद हो गई? बंद हो गई सर। तो मालिक आपको पैसा नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया सर। ट्रेन से आए हैं आप? हाँ जी। भाड़ा लगा? नहीं, स्पेशल ट्रेन। भाड़ा लगा था वहाँ? नहीं लगा था। भाड़ा नहीं लगा? खाना पीना मिला ट्रेन में? हाँ मिला था, एक दो जगह मिला था। हाँ। क्या करेंगे बिहार में आप? अभी करेंगे कुछ खेती बाड़ी, अपना कोई काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, सरकार की तरफ से मिल जाएगा। कहाँ घर हुआ? खराट। खराट। क्या नाम बताया? सुरेंद्र कुमार। मसौढ़ी पीएससी अस्पताल की नर्स बेबी देवी ग्रामीण क्षेत्र के पोआमा गांव स्थित पंचायत भवन में सरकारी
कार्य से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही थी, तो उसी वक्त गांव के एक युवक ने वहां पहुंचकर नर्स के साथ गाली गलौज किया और साथ ही पंचायत भवन से बाहर भी निकाल दिया। तत्काल नर्स बेबी देवी मसौढ़ी पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार और पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम से इस घटना के बारे में जानकारी दी। तीनों ही अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उस युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। आप जब वहाँ गई आरआई करने के लिए तो क्या आपके साथ क्या घटना घटी? कोविड 19 में होम क्वारंटाइन को देख रेख में गए थे वहाँ स्वास्थ्य जांच के लिए, तो वहाँ जाने के बाद पंचायत भवन था उसमें बैठे गए, तो उसमें रविंद्र कुमार हैं जो बैठने नहीं दिए और पूरा अभद्र व्यवहार करने लगे ताकि हम असमर्थ हो गए बोलने से, फिर भी मेरे साथ बहुत तंग किए। उसके बाद हम बोले कि पंचायत भवन है, सरकारी भवन है, इसमें हम बैठ सकते हैं, तो ये बोला अभद्र व्यवहार कि तुम्हारा बाप का नहीं है, तुम्हारा घर नहीं, इसमें हाथ पकड़ के बाहर कर देंगे। तो हम बोले कि हाथ पकड़ने की बात नहीं, हम निकल जाते हैं। उसके बाद दरवाजा में हाथ लगा के अड़ गया कि हम निकलने भी नहीं देंगे, तो आंगनबाड़ी बोली कि निकल दीजिए नहीं तो मारपीट भी करेगा। उसकी मंशा क्या थी, क्या कहना क्या चाहता था? कह रहा था कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं देंगे कि हमको आपको बीमारी नहीं, उसका रिपोर्ट दिखाइए तब बैठने देंगे, ऐसे नहीं देंगे बैठने। हम बोले कि हम स्वास्थ्य विभाग के आदमी, हमको कोरोना नहीं है, तो बोला कि नहीं जब तक नहीं दिखाइएगा जब तक हम नहीं बैठने देंगे, इसलिए बहुत तंग किया हम। यानी सरकारी कार्य में उसने बाधा पहुँचाने की कोशिश की? बोला कि सुई नहीं दे, जितने ही लाभार्थी थी सबको भगा दिया, जो बच्चे वाली थी उसको भी भगा दिया, किसी को हम मेरे पास आने नहीं दिए। उसके बाद हमको रोड पर निकाल दिया, रोड पर हम 15-20 मिनट बैठे, उसके बाद हम पीएससी में फ़ोन किए जयप्रकाश को, प्रभारी सर को किए, तो नहीं लग रहा था, तो यहाँ से गए हॉस्पिटल से। क्या नाम हुआ आपका? बेबी कुमारी। इस संबंध में आप थाने पर एफआईआर करने जा रही हैं, थाने में सूचना देंगे इसके लिए ना? जी लिखित, थाने में इसकी लिखित सूचना देंगी ना आप? जी देंगे। कोरोना वायरस संक्रमण है और इसे लेकर मेडिकल टीम पूरी जागरूक है मसौढ़ी पीएससी की, ऐसी स्थिति में जब नर्सेज काम करने जाती हैं बाहर में तो नर्सेज के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, क्या कहेंगे आप? सर हम कैसे काम करेंगे, ऐसे अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो हम एक महिला हैं कैसे काम करेंगे, ऐसे जगह में तो हम बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे जिससे महिला को कोई सेफ नहीं हो, जहाँ पे हम उनके बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन के लिए बचाने के लिए गए हैं, क्वारंटाइन को देखने के लिए गए हैं कि पेशेंट कैसा है, उस स्थिति में मेरे साथ अद्र व्यवहार किया जाता है, तो उस जगह तो काम करना सर पॉसिबल नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता है। जिस तरह से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा, जो नर्से ड्यूटी पर तैनात थी, आरआई करने के लिए गई थी, उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया है उस तरह से हमें सब बहन एक हैं, अगर आगे कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग सब एक रहेंगे और वहाँ गांव में नहीं जा सकेंगे, जब तक यहाँ से थाना वाला नहीं जाएगा जब तक हम लोग कोई नहीं जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं है। किस गांव की घटना ये? कुआवा की। एक नर्स है बेबी देवी जो कार्य करने के लिए मसौढ़ी थाना अंतर्गत किसी गाँव में गई हुई थी, वो आरआई की जाँच करने के लिए गई थी, तो चूंकि उसका कहना यह है कि मैं जब उस गांव में गई थी तो एक युवक के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, चूंकि आप पीएससी प्रभारी हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी ओर से क्या कार्रवाई किया जाएगा? नहीं, हमको इसका जानकारी मिला था और जैसा है कि उसके साथ जो भी व्यवहार किया गया बहुत गलत व्यवहार किया गया है, और हम उसी समय वहाँ के मुखिया जी से भी बात किए थे लेकिन उनसे फ़ोन पर नहीं बात हो पाई, नहीं लग पाया था, लेकिन उससे हम बात हो चुकी है और तो वो अपना कंप्लेन लिखेगी, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे लेटर को। सर अगर इस तरह से अगर होते रहेगा तो कोई कैसे काम करेगा? सर गलत है बात, तो बहुत बहुत गलत बात है और बहुत दुखनीय बात है। ऐसा है कि अभी कोविड-19 का जो चल रहा है इसमें ऐसे भी जो जितना भी ANM है जो काम कर रही है, दिन रात बैठ के काम कर रही है यहाँ रह के, और उसको इस तरह से करने पर तो बहुत ही दिक्कत है। एक तो कि वो रिस्क लेके काम कर रही है, उसके बाद काम करने जा रही है तो उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, रूम में बंद किया जा रहा है, तो बहुत ही गलत बात है। हम तो BDO साहब से बात किए हैं, BDO साहब से भी बात हुई है और यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको भी हम खबर किए थे, उसी समय खबर किए थे,
और सबको पता है और हम FIR हम लोग करवा रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जो जो भी किया है गलत किया है। सवाल यह है सर कि एक महिला है, उसकी सुरक्षा जरूरी है सर। हाँ, तो सुरक्षा तो जरूरी है। तो अब देखिए, अब हम लोग तो फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग का जितना भी महिला NM है सब तो फील्ड में ही काम कर रही है। अब बहुत सारा चीज़ है, अब उसमें जो हम लोग का जो हम लोग के अंडर में जो भी है, हम लोग से जो हो सकता है तो करेंगे, अब आगे का देखा जाए क्या होता है। PSC की एक नर्स बेबी देवी जो अपने ड्यूटी पर तैनात थी, एक गांव में गई थी और उस गांव में एक युवक के द्वारा उस अवहत्ता पर व्यवहार किया गया, किवाड़ बंद कर दिया गया। सर आपकी आपकी ओर से, चूँकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, आप अंचलाधिकारी के साथ एक मजिस्ट्रेट भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी उस युवक का? मैं जस्ट अभी हम लोग को MOIC के माध्यम से जस्ट ये सूचना मिली है कि इस तरह का हमारे NM के छात्र एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है। हम लोग तुरंत जो है शो थाना को इस आशय की सूचना दी है, और जो भी हमारा जो आपदा का, चूँकि वो COVID-19 का वो सर्वेक्षण कर रही थी, वहाँ पर सर्वेक्षण में वो स्क्रीनिंग वगैरह कर रही थी वहाँ डोर टू डोर, और उसी क्रम में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है सो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, हम लोगों ने तुरंत उसकी सूचना थाना को दिया है, थाना जो है सो भी NM को लेकर आई है और उनका बयान कलमबद्ध किया जा रहा है, और हम लोग जो है सो जो भी सख्त से सख्त कानून के तहत उनकी कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिखा है और उनको बताया है, जैसा कि अभी खुद पता है कि आपदा के एक्ट के तहत उनको हम पर कार्रवाई करेंगे, पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो भी है निश्चित रूप से उन पर कठोर कार्रवाई होगी। मसौढ़ी महिला छात्रावास क्वारंटीन सेंटर से बजरंग बली के नारों के साथ 98 प्रवासी मजदूरों को प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार, PSC प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह और कृषि पदाधिकारी अजय कुमार की मौजूदगी में विदा किया गया। अपने अपने घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी स्पष्ट झलक रही थी। प्रवासी मजदूरों ने एक स्वर से कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर लिया। भारत माता और मसौढ़ी क्वारंटीन सेंटर की जय के नारों से मसौढ़ी महिला छात्रावास गूंज उठा। इसके साथ ही मसौढ़ी के तमाम पदाधिकारियों के प्रति सभी मजदूरों ने आभार भी व्यक्त किया है। जांच हो गई ना? जांच हो गया। सर्टिफिकेट मिल गया ना? खुश हो ना? कोरोना पर विजय पा लिया। यहाँ मसौढ़ी जो क्वारंटाइन सेंटर, इसमें कितने दिन आप रहे? 14 दिन। कोई दिक्कत नहीं हुई? प्रवासी मजदूर छोड़ा गया यहाँ से? 98 लोगों को छोड़ा गया है। इन्होंने 14 दिन की अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। अब इन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड जो है अपने घर में पूरा करें और उसमें विशेष सावधानी बरतें, कम से कम घर के जो बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से दूरी मेंटेन करें। मजदूर को छोड़ा जा रहा है, इनका हेल्थ चेकअप किया है सर? हाँ, सबको हेल्थ चेकअप करके सब लोग फिट है, सबको हेल्थ चेकअप करने के बाद ही सबको सर्टिफिकेट दिया गया है। क्या सलाह दिया गया सर लोगों को? सब लोगों को बोला गया है कि 7 दिन घर में रहें और अपना जो घर में बुजुर्ग लोग से थोड़ा अलग रहें और अभी 7 दिन तक घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। जितने प्रवासी मजदूर यहाँ से छोड़ा गया जी, तो इन प्रवासी मजदूर काफी खुश दिखे, खासकर जब मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत हुई यहाँ भोजन में या कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत हुई, तो सभी खुश नजर आए और कहना था कि नहीं बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ। क्या कुछ ऐसा कर दिए हैं सर जादू आप? नहीं, एक्चुअली जादू नहीं बल्कि जो सरकार का जो आपदा के तहत जो प्रावधान है उसका हम लोगों ने अच्छरस अनुपालन किया, चाहे वो आवासन का हो या फिर उनकी भोजन का हो। आपने जैसा फीडबैक लिया वास्तव में हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर है सारे लोग ये प्रवासी मजदूरों के लिए रात दिन लगकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें, चाहे वो आवासन का हो चाहे उनका भोजन का, क्वालिटी हम लोगों ने मेंटेन किया है पूरी स्वच्छता के साथ, हाइजेनिक हम लोगों ने किचन का व्यवस्था किया, रूम का हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराते थे, इस तरह से सारी सुविधाएँ उनको दिया ताकि वो अच्छी तरह से वो निकल जाएं, कोरोना पर विजय प्राप्त करें। बाकी देखा है कि 14 दिन हम लोगों ने उनको अच्छी तरह से करके आज विदा किया है, बाकी वो 7 दिन अपना होम क्वारंटाइन में बिताएंगे और इस तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त करके अपना आम जिंदगी में अपना लौटेंगे। गुजरात से आई थी? क्या करती थी गुजरात में? काम करती थी सर। क्या काम करती थी? मशीन चलाती थी जी। अब यहाँ कहाँ घर हुआ आपका? सनकुकरा। बिल्कुल घर में आप हैं जी? बिल्कुल, यहाँ से चंद कदमों के दूर पर आप यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में, सब व्यवस्था ठीक मिला ना आपको जी? अब क्या करेंगे यहाँ? घर पर रहेंगे, रोपा रोपेंगे। घर पर रहेंगे, रोपा रोपेंगे। बाबू कहाँ रहता है तुम? कहाँ? जामनगर। कहीं
जामनगर में? हाँ। तो मसौढ़ी आ गया, घर आ गया ना? हाँ। घर आ गया, खुश है ना? हाँ। ओ, खाना मिलता था ना यहाँ? हाँ। वाह, पढ़ोगे? क्या करोगे? पढ़ोगे? हाँ। क्या बनोगे पढ़ के? इंजीनियर। इंजीनियर बनेगा? वाह, क्या नाम हुआ तुम्हारा? वाह वाह वाह। मसरक थाना क्षेत्र के मसरक तराया छपरा चौक पर मसरक थाना पुलिस के थाना अध्यक्ष ने प्रवासियों के लिए मसरक पुलिस आपकी सेवा में का काउंटर पिछले सप्ताह खोला था, जिसमें प्रतिदिन प्रवासियों के लिए खाने के लिए शुद्ध भोजन सहित शुद्ध पानी की भी व्यवस्था की गई है, जो मसरक थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा की देखरेख में की जा रही है। वही सारण जिले के पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय ने भी अपनी भूमिका को सहमति देते हुए 500 पैकेट खाने को भेजा। हमारे पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर सर के द्वारा आज खाना पुलिस लाइन से ही आया था और पानी का व्यवस्था भी किया गया है। सभी प्रवासियों को दिया जा रहा है? प्रवासी जो पैदल या जा रहे हैं जो भी, उनको सभी को दिया जा रहा है। खाना और पानी दोनों का इंतजाम किया गया, दोनों को दिया जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर बेरोजगार हुए मजदूरों की स्थिति को देखते हुए मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर पर प्रखंड मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी प्रशांत भूषण ठाकुर ने 385 मजदूरों के बीच रोजगार गारंटी जॉब कार्ड का वितरण किया। मौके पर मुखिया कृष्णमोहन कुमार सिंह ने कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर पर हैं, पंचायत में मनरेगा का काम आएगा तो सबसे पहले प्रवासी मजदूरों को ही काम करने की प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो सिंहेश्वर सेमिनरी प्लस टू उच्च विद्यालय में प्रवासी मजदूरों के बीच जो जॉब कार्ड का जो वितरण किया गया है पताही पूर्वी पंचायत के तरफ से, तो इन क्वारंटाइन सेंटर से निकलने के बाद ये मेरे मजदूर भाई पंचायत लेवल पर जो भी काम होंगे मनरेगा के तहत, उसमें इनकी प्राथमिकता पहले रहेगी और ये पंचायत में काम करेंगे। हम लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं मनरेगा के तहत, उसमें ये सभी भाई लोग जो हैं उसमें अपना काम करेंगे और अपना परिश्रमिक अपने कार्ड के द्वारा अपने निजी बैंक खाते में प्राप्त करेंगे। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी इन दिनों कटिहार में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कटिहार जिले के कोढ़ा थाना अंतर्गत गोरगामा गांव का है। गौरतलब है कि गोरगामा गांव निवासी मोहम्मद जियाउल हक ने बताया कि उनके जमीन पर आसिफ के द्वारा जबरन मकान बनाया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट द्वारा उस जमीन पर भवन निर्माण को लेकर रोक लगाया गया है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से अविलंब इस भवन निर्माण कार्य को रोकने की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मामला है सर, ये हमारे सूट लाइन का मामला है। ये टाइटल सूट हमारा कटिहार में चल रहा है, जिसमें हमने स्टेटर यहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए पिटीशन दिया था, मेरा खारिज हो गया। तो मैंने हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में 2016 में हमारा स्टेटर 16 में लगा दिया अथा स्थिति स्टेटर को लगा दिया। जमीन में कोई निर्माण नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं, कुछ नहीं कर, जिस अवस्था में उसे रहेगा। और ये आसिफ अली ये सब सारा मिलकर करके मसूद मजम्मिल ये सब मिलकर करके जमीन लीज पे भी लगा देता है, मना करने पे पूरा घर पे पूरा आसमान में ले करके घर पे आ जाता है। ये आसिफ अली कौन है आपका? आसिफ अली हमारा चचा होगा। अपने चचा है? जी अपने चचा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये जब अभी निर्माण कर रहे थे, हमने लॉकडाउन के पहले से हमारा 17 तारीख से कोर्ट बंद हो गया था, तो मैंने एसपी ऑफिस को पिटीशन दिया था जनता दरबार में। एसपी ऑफिस और थाना में भेज दिया, थाना वाला रसीओ मिल करके जब सारा डॉक्यूमेंट दोनों को नोटिस भेज करके बुलाया गया, दोनों गए, दोनों का कागज देख करके थाना वाला रसीओ दोनों मिल करके अथा स्थिति कर दिया, हाईकोर्ट का ऑर्डर का ही पालन किया। इस बीच में आसिफ अली मकान बनाना शुरू कर दिया, तो फिर मैं थाना वाले के पास गया, थाना वाला को पिटीशन लिख के दो, हम लिख के दिए, तो इधर लॉकडाउन हो गया, इस बीच में वो मकान बनाना शुरू कर दिया। फिर थाना वाले को कहे तो बोला कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच में वो मकान बनाना शुरू कर दिया पूरा। जब हम मना करने के लिए जाते हैं तो पूरा अपना सब लेकर के हमारे दरवाजा पर मारपीट करने के लिए उतावली हो जाता है। आप जब थाना में सूचना दिए कि मकान का निर्माण हो रहा है, जी जी, तो क्या थाना वाला फिर आए उसको मना करने के लिए? नहीं, थाना वाला नहीं आया, थाना वाला हमसे बोला एक तो पिटीशन लिख के दिया। आप पिटीशन दिए? हाँ पिटीशन। फिर भी थाना वाला नहीं आया? थाना वाला नहीं, मना करने नहीं आया? नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन थाना वाला हमसे पिटीशन ले लिया। हाँ लेकिन अभी तक काम चल रहा है। क्या क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं सर उस मकान को रोका जाए, हाईकोर्ट का अवहेलना हो रहा है सर, कानून का अवहेलना कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जियाउल हक सर।
वो आसिफ अली कहाँ का है? आसिफ अली वही गुरगावा का ही है, मेरा चचा है। आपके घर से उनके घर की दूरी कितनी है? थोड़ी दूर में है। मैं नरेश ऋषि गोरगामा, यह कैथल सुड़का बटवारा परिवार का मामला है और यह अपने दबंगगिरी दिखाता है और थाना में मिलजुल के जो है लॉकडाउन का उल्लंघन करके भवन निर्माण कर रहा है और इसको जो है कि अभिलंब इसको रोका जाए और साथ ही साथ यह मामला जो है 2008 में इसका कैथल सुड़का बटवारा के लिए जो है आवेदन दिया गया है। इसका हाईकोर्ट 2016 में इसका जो है सुप्रविजन हुआ है कि नहीं इसको जो है बांट के दिया जाए और यह अपनी दबंगगिरी के चलते जो है अपना गांव में जो है हल्ला गुल्ला करता है और महादलितों के साथ भी है व्यवहार करता है। शुरू से ही इसका जो है दबंगगिरी चल रहा है और लोगों को बरगलाते रहता है और कम मजदूरी देके लोगों को हटो काम करवाता है। कौन है वो? आसिफ अली है सर। आसिफ अली जी कहाँ का है? गोरगामा का है। पड़ा था। ये जमीन किनकी है और किनके जमीन पे ये मकान बना रहा है? जमीन जो है कि ये जावल जी का है और जबरन जो है उसका कब्जा करके जो है भवन निर्माण कर रहा है। क्या चाहते क्या है? अभिलंब इसको रुका जाए जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाता। एक सूचना निर्माण कार्य का सूचना जो है थाना वगैरह को है क्या? सूचना दिया गया है थाना को, थाना लेकिन इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और लॉकडाउन के चलते जो है कि वह अपना कोरोना वायरस में जो फंसा हुआ है, अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है लेकिन जो है धीरे धीरे निर्माण कर रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम आसिफ अली है। मेरा नाम आपका क्या नाम है? नरेश ऋषि। हाँ नरेश ऋषि। घर का नाम आपका? गोरगामा। कोरोना महामारी के दौरान अपनी प्रेमिका से मिलने में असफल हुए आसिक ने मुंगेर के कंटेनमेंट जोन जमालपुर में अपना गला काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के लिए घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया। बता दें कि जमालपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर निवासी प्रेमी विकास कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने सदर बाजार फाड़े स्थित खलासी मोहल्ला पहुंचा, जहां पर लड़की के परिजनों ने विकास को लड़की से मिलने नहीं दिया गया तो युवक ने प्यार में नाकाम होता देख धारदार हथियार से गला काट खुद को बुरी तरह से जख्मी कर लिया। हम उस लड़की से मिलने गए थे। अच्छा। मिलने नहीं किया और मारने लगा हमको। कितने दिनों से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है? एक साल से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। दोनों शादी करवा देंगे, घबरा गए थे, अभी तक करवा ही रहे हैं। कितना दिन पहले ये बात हुई थी? 26 तारीख को हुई थी बात, इसी महीने के। हाँ। क्या नाम आपका? विकास कुमार। कहाँ की लड़की है? अरे सो छोड़ा। सहरसा जिले से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। बता दें कि जिले में अब तक 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जिसमें से 41 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद जिले में अब कुल पॉजिटिव की संख्या सिर्फ 21 रह गई है। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब सहरसा जिले में कुल 21 पॉजिटिव मामले ही रह गए हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। आज एक दो पॉजिटिव केसेज और बढ़े हैं, जिससे संख्या एक्टिव संख्या 39 से 41 हो गई थी। उसके अलावा आज 18 केस और भी जो पॉजिटिव था उसका सैंपल भेजा गया तो नेगेटिव आया है, उसको हम लोग रिलीज किए हैं। तो टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 23 हो गई है। इसमें दो केस ऐसे हैं जिसको अभी हम लोग भागलपुर रेफर किए हैं, उनका दो बार कंसेक्यूटिवली पॉजिटिव आया था। तो अभी हमारे आइसोलेशन में टोटल 21 मरीज भर्ती हैं और दो मरीज भागलपुर में रेफर किया गया है। इन 21 में भी अभी 14 सैंपल भेजा गया, उसका अभी पेंडिंग है, संभवतः वो आज शाम में आएगा, उसमें भी कुछ निगेटिव आने की संभावना है। तो टोटल एक्टिव केस की संख्या अभी हमारे जिला में 21 है और दो केसेज जो रिफर किए हैं हमारे। सर जिस तरह से 18 तो है जी जी बिल्कुल राहत की बात है और इन्होंने काफ़ी इस महामारी के जंग लड़के अपने को ठीक किया है, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जो ठीक होकर गए हैं अभी भी आप लोग कम से कम 14 दिन अपने घर में रहेंगे, अभी इनको निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमण को पूरी तरह से। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।